हेलो दोस्तों, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल बीपी चौधरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे हमारे किसान भाइयों का मैसेज आया था कि सर, जो आप स्टरलाइजेशन करते हो, जो आपका स्ट्रॉ होता है, जो कि गेहूं का भूसा या धान का पुआल होता है, जब उसको आप स्टरलाइजेशन करते हो तो क्या क्या आप उसमें यूज करते हो? स्टरलाइजेशन के टाइम आप कितना बायोस्टीन पाउडर का यूज करते हो, कितना फॉर्मलिन डालते हो और कितना चूना पाउडर डालते हो? तो आज इसी पे डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारे वहाँ स्टरलाइजेशन में क्या क्या चीजों का आवश्यकता होती है और क्या क्या चीज हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये प्लास्टिक आपका ड्रम है, ये 200 लीटर का आता है कुछ इस तरीके से, और इसमें हम लोगों ने भरा है 180 लीटर पानी। आप देख सकते हो कि इस ड्रम में 180 लीटर पानी है और इसमें हम लोग डालते हैं 15 ग्राम बायोस्टीन पाउडर। तो भी हम लोग का 15 ग्राम बायोस्टीन पाउडर पड़ चुका है। फिर इसमें हम लोग डालेंगे आपका जो ये फॉर्मलिन है, फॉर्मलिन लिक्विड है, इसका 200 ml इसमें डालेंगे। तो इस तरीके से 200 ml का ये माप से बनाया गया है और इसमें 200 ml फॉर्मलिन लिक्विड डाला जा चुका है। अब दोस्तों, इसमें डालने की बारी आती है चूना पाउडर। हम लोग यूज करते हैं 50 ग्राम चूना पाउडर को। तो दोस्तों, ये 50 ग्राम आपका चूना यहाँ डल चुका है और 50 ग्राम चूना डालने के बाद अच्छे से इसमें हम लोग मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई आपके घर कोई भी चीज हो सकता है जिससे आप इसको मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका फंठी है और इसे हम लोग मिक्स कर रहे हैं और खूब बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करना है, पूरा एकदम अच्छे से। जितना भी चीज़ इसमें हम लोगों ने डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए पानी में। दोस्तों, हमारे द्वारा डाला गया सारा चीज़ इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब टाइम आता है आपका इसमें स्ट्रॉ डालने का। तो स्ट्रॉ जो है, हम लोग पैड स्ट्रॉ का यूज करते हैं और इस तरीके से हम लोग, ये हमारा पैड स्ट्रॉ बगल में रखा हुआ है इस तरीके से, ये पैड स्ट्रॉ है और पैड स्ट्रॉ ये लगभग 5 से 6 किलो, मैक्सिमम 6 किलो है, मिनिमम 5 किलो है, और इस तरीके से बोरियों में भरा जा चुका है। और इस तरीके से भरने के बाद 3 बोरियों को एक ड्रम में डाला जाता है। तो इस तरीके से आपको भी बोरियों में भर लेना है और 3 को 1 ड्रम में डालना है। दोस्तों, यहाँ पे आपका बोरी इसमें ड्रम में डालने की बारी आ गई है और इस तरीके से ड्रमों में बोरियों को डाल सकते हैं। 1 बोरी जा चुका है, ये आपका 2 बोरी है, इसको भी बहुत ही आसानी से इसमें डाल सकते हैं। ये दोस्तों 3री बोरी है, 2 बोरी इसमें जा चुकी है और इस 3री बोरी को भी इसमें डाल लेंगे। इस तरीके से बहुत ही आसानी से इसमें डल जाता है और इसके बाद ऊपर से कोई भारी चीज़ इसमें रखेंगे तो भारी चीज़ें देख सकते हैं, एक बड़ा सा पत्थर है और पत्थर को उठा करके इस पर रखा जाता है। दोस्तों, इसको रखने के बाद आपको फिर इसको अच्छे से मुंह को बंद कर देना होता है। मुंह को इसलिए बंद करते हैं ताकि इसमें जितना भी आपका लिक्विड है वो अच्छे से इसमें उसका गैस बना रहे और बाहर ना निकले। तो फटाफट इसको बांध लेते हैं। तो दोस्तों, इधर ऊपर से बांधने के लिए ये आप ले सकते हैं, कोई भी बोरी का यूज कर सकते हैं। बोरी ऐसा होना चाहिए कि अंदर का जो गैस हो वो बाहर ना निकले। तो बोरियों का 2 लेयर है, इसको अच्छे से टाइटली बांध लेना है। तो अभी यहाँ पे बंद गया है और इसी तरीके से आगे भी कुछ ड्रम्स लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इधर देख सकते हैं काफ़ी सारे ड्रम्स लगाए हुए हैं जिसमें हम लोग का स्टरलाइजेशन का काम होता है। सारे में वाटर आग भरा जा चुका है और अब हम लोग डालेंगे इसमें पूरा आपका कुट्टी का बोरी। और इस तरीके से इधर भी कुछ ड्रम्स रखा हुआ है, आप देख सकते हैं कुछ ड्रम्स उधर रखा हुआ है, कुछ इधर से भी ड्रम है। सारे ड्रम को डालेंगे हम लोग स्टरलाइजेशन के लिए बोरी को। और इधर आपका ये देख सकते हैं कि हमारे टीम द्वारा बोरियों में कटिया को भरा जा रहा है।
आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियोस में जरा भी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली है या वीडियोस आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।